बसमिल डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आई होप आप लोग खैर से होंगे इस वीडियो में बात करने वाले हम इस्लाइज़ वन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और फिफ्टी एम सी क्वीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल वन हंड्रेड परसेंट राइट सॉल्व होंगे ठीक है चलते हैं हम अपने सोलूशन की तरफ फर्स्ट ऑफ आल हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास उन्होंने पूछा है कि हु इज़ एक्चुअली मीड बा वर्ड नूरमबीन इन दी वर्स यानी कि जो ये आयात हमारे पास दी हुई है इसमें जो लफज है नूराममबीन इसका क्या मतलब है नूरमुबीन का मतलब है कि नूर नाजल किया यहाँ पर अल्लाह ताली ने शात में अदा किया और हमने इन जल्लिक नूराम मुबीन है यानि कि नूर नाजल किया नूर यहाँ पर जो है न वो क्या है वह है कुरान मजीद कि कुरान जीद की यहाँ पे बात हो रही है जो कि ऑप्शन डी है और ये इसका राइट right ऑप्शन है ठीक है उसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि ऑन विच ओकेजन वाज द प्रेयर मेड मुस्लिम यानी मुसलमानों पर नमाज किस मौके पर फरज हुई नमाज की बात हो रही तो नमाज जो है ना वो मिराज का जो मौका था एसेंशन जिसको बोलते हैं डी ऑप्शन जो यहाँ पे वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है उस वक्त नमाज फर्ज हुई थी हम पर ठीक है उसके बाद क्वेश्चन थ्री देखते हैं हमारे पास उन्होंने पूछा है लेटरल मीनिंग ऑफ हज हज का लघवी मीनिंग क्या है हज का जो लघवी मीनिंग है वो है इरादा करना इंटेंड जो डी ऑप्शन है हमारे पास इंटेंट इरादा करना ठीक है ये इसका राइट ऑप्शन है ठीक है इसी तरह हमारे पास फोर क्वेश्चन है और इन्होंने यहाँ पे पूछा हमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल वर्शिप यानी दर्जल में से जो माली इबादत है माली इबादत आपको पता है कि ज़कात जो है ये एक माली इबादत है बाकी जो न वो जिस्मानी है उनमें माल की ज़्यादा नहीं आती है एक आज के अलावा तो ये जो ज़कु़त है यहाँ पर ये माली इबादत तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये इसका राइट ऑप्शन है ठीक है उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि हुज़ लाइफ एग्ज़ैम्पल डिड अल्लाह में डिक्लेर एज द बेस्ट एग्ज़ैम्पल ऑफ ऑल ह्यूमन बीग्स यानी अल्लाह ताला ने किसकी असवा स्वाहासना को तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी ज़ात को उनके आश्वासनों को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दे दिया गया है तो ये ए ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है ठीक है सिंपल इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आसान से हैं और फिफ्टी हैं तो बहुत सारे रिपीटेड भी हैं ठीक है उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि वन साम वन स्टेज इन मीना टू परफॉर्म यानी के हज के अदगी के लिए मिना जो मिना का जो मुकाम है वहाँ पर क्याम कब किया जाता है ठीक है तो आठ जुल हज को जो है ना वो मिना के मुकाम पर क्याम किया जाता है डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है ठीक है सिंपल है ये एक दफ़ा पढ़ने से आपको याद हो जाएंगे इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि फिफ्टी एम सी क्यूज है जल्दी से कवर करना है सेवन क्वेश्चन है हमारे पास कि हिजरत से पहले द सूर रवील्ड बिफोर द माइग्रेशन ठीक है हिजरत से जो पहले सूरतें नाजल हुई थी उनको क्या कहते हैं उनको मक्की कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि तब आप मक्का में रहते थे और जब आप मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की और जो सूरतें माइग्रेशन के बाद हिजरत के बाद मदीना में नाजल हुई उनको मदनी कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे मक्का में जब आप रहते थे हिजरत से पहले तो मक्की की बात हो रही तो तो ऑप्शन जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एट में आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है टू विच मैसेंजर डिड अल्लाह गिव द टाइटल पोजीशन ऑफ सील ऑफ प्रॉफिट ख़त्मबीन या ख़त्म नबूत जो ख़तबीन का ख़ताब और मुक़ाम है वो किस रसूल को अल्लाह ताला ने अ फ़रमाया तो आप सबको पता है कि ख़त्म नबूत आप सल वसल्पर पर जो है ना वो ख़िताब को दिया गया ख़ात्नबीन का ठीक है तो ए ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर क्या है इसका राइट right ऑप्शन है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नाइन है हमारे पास उन्होंने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग वर्ड्स होज डेड बॉडी हेज़ बीन प्रज़र्वड आफ्टर डैथ यानी कि ये जो यहाँ पर हमारे पास एक आयात है इसके मुताबिक को किसकी जो है ना वो लाश जो है ना वो महफूज कर ली गई है ताकि अल्लाह ताला के निशानी के तौर पर उसको मतलब महफूज किया गया है तो हम सबको पता है कि इस वक्त जिसकी जो लाश मौजूद है वो कौन है वो है फ्रॉन डी ऑप्शन जो हमारे पास फिर जिसकी लाश अभी भी मौजूद है ठीक है तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है उसके बाद क्वेश्चन टेन में आप आओ यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कार्ड किसान कुर में अल्लाह तात को अपनी तात से ताबीर किया है तो ये आपको पता है रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की बात हो रही है ठीक है साबी ताबी और वली की बात नहीं हो रही रसूल वसल्लम की बात हो रही है कि उनकी इतात अल्लाह ताला की इतात है तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा ठीक है यहाँ पे क्वीज़ वन टेन मार्क्स का जो कम्प्लीट हुआ है और नेक्स्ट सेकेंड क्विज़ है हमारे पास सेकंड स्टूडेंट का कुछ स्टूडेंट्स को यह भी इशू रहता है कि हमारे ये आ ही नहीं तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट आते होते हैं और मोस्टली जो है ना वो रिपीटेड होता है अगर आप ये फिफ्टी देख लोगे तो आपके ये रिपीटेड होंगे काफ़ी ज़्यादा क्योंकि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा इसको देखने से ठीक है क्वेश्चन वन है हमारे पास के विच रस खलीफा जहाद अगेंस्ट मुनकरीन ज़क़ यानि कि जो जकवात नहीं देते थे उनके खिलाफ किस खलीफा राशि ने जहाद का एलान किया था तो यह हजरत अबूब का सदीक रजी तह जिन्होंने उनके खिलाफ जहाद का ऐलान किया था ठीक है ये इनका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनता है ठीक है ये सारे अकॉर्डिंग टू हैंड और सॉल्व है उसके बाद क्वेश्चन टू है उन्होंने पूछा है कि कुरान जद में ऐसी कौन सी शुरुआत है जिसमें दी कंसेप्ट ऑफ तोहैद हैज़ बिन एक्सप्लेन कम्प्रीसली यानी जो तो का तव्वर है वो एक जाम अंदाज में बयान किया गया तो आपको पता है कि जो तोहद है वो सूरत अख्लास में मुकम्मल तौर पर एक जाम अंदाज़ में जो है ना उसको बयान किया गया तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सूरत अख्लास ये इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन और करेट ऑप्शन है क्वेश्चन थ्री में आप आएं तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वेन समन स्टेज इन मीना टू परफॉर्म हज यानी हज की अदायगी के लिए मीना में क्या करना कब किया जाता है तो एड्स जिला को किया जाता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ठीक है जिनको लगता है कि रिपीट नहीं होते तो भाई मेरे यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ये जो टाइम दिया है इसको आप देख लिया करो जिनको लगता है कि ये जो है ना अपनी तरफ से कह देते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन फोर है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मलक जो मलक है उसका मतलब क्या है ये uh, यहाँ पे जो है ना वो uh, जो हमारे पास है, फ्रिज थे उनकी बात हो रही थी मलक मलाइका और उनकी ठीक है तो ये मैसेंजर है इसका राइट ऑप्शन डी है ये आपको हैंड में भी सेम टू सेम मिल जाएगा ठीक है उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है कि हुज ऑब्जर्व होज ओबीडियंस हैज़ अल्लाह मेठी कॉल इज़ ऑन ओबीडियंस यानी अल्लाह ताला ने किस की को अपनी ताद करार दिया तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ तो ये भी इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है रसूल यानी रसूल अलैहि वसल्लम की तत को अल्लाह ताला ने अपनी ताद करार दिया ठीक है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि एट विच प्लेस स्टे एट विच प्लेस टेज कार द रुकन आजम ऑफ हज हज का जो रुकन आजम है सबसे बड़ा रुकन है वो कौन सा किस जगह पर ठहरना तो वो अरफ़ात के मुकाम पर ठहरना जो ना वो रुकन आजम माना जाता है तो इसका डी ऑप्शन जो ना वो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन सेवन में आया तो यहाँ पे टू विच मैसेंजर डिड अल्लाह गिव दी टाइटल एंड पोजिशन ऑफ सील ऑफ प्रॉफिट यानी ख़ातिमबीन किस नबी को ख़िताब मिला तो ये आप वसलम की बात हो रही है तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है ठीक है हो गया उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन एट में यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट सूर ऑफ ऑली कुर यानी कुरान, कुरान जीत की सबसे छोटी सूरत जो है ना वो कौन सी है सबसे छोटी सूरत हमें पता है कि कौसर है तीन आयात के साथ सबसे छोटी सूरत है ठीक है उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन नाइन है कि गार्डियन ऑफ एंजल ऑफ पैराडाइज यानी कि जो जन्नत का निगरान फरिश्ता है वो कौन है जन्नत का निगरान फरिश्ता जो है वो है हमारे पास रिजवान जो बी ऑप्शन है ये कौन है रिजवान है ये जन्नत का फरिश्ता है ठीक है उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन टेन है और यहाँ पे उन्होंने हमें पूछा है कि लिटरल मीनिंग ऑफ सलात सलात का लघवी मनी यानी कि जो नमाज है उसका लघवी मानी क्या है दुआ करना टू प्रे ठीक है ए ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है ठीक है यहाँ पे ट्वेंटी एम सी मुकम्मल हो गया थर्ड क्वेश्चन क्वीज स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन है कि वन हज बिकमिकट्री मुस्लिम्स मुसलमानों पर हज कब फर्ज हुआ मुसलमानों पर जो हज था वो कब फर्ज हुआ था नाइन हिजरी में ठीक है नौ हिजरी में फर्ज हुआ था डी ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे इसका राइट right ऑप्शन है ठीक है क्वेश्चन टू है हमारे पास कि हाउ मैन स्पेसिफिक नेम्स ऑफ हॉली कुरान हैव बीन गिवन बाय मेटी हिमसेल्फ इन कुरान यानी कि कुरान जीत के ऐसे कौन से ख़ास नेम है जो अल्लाह ताला ने खुद कुरान के लिए इस्तेमाल फरमाए हैं तो हैं जो ना वो फिफ्टी फाइव आलमोस्ट दिए हुए हैं कुरान के जो सब नेम है टोटल लेकिन जो आप जो अल्लाह ताला है वो खुद जो जिन नाम से ज़्यादा कुरान जीद को इस्तेमाल फरमाया है वो पाँच है ठीक है पाँच है ये वहीं पर आपको है में लिखे मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन थ्री है और इसमें उन्होंने पूछा कि द बेस ऑफ इस्लामिक शरीत यानी इस्लाम जो है इसकी शरीय की जो बुनियाद है वो क्या है तो हमारा जो इस्लाम है ये लॉ ऑफ नेचर यानि फितरत के कवानीन पर मुशतमल है ना कोई ट्रेडिशन ना कोई दौलत ना नसब कुछ नहीं माना जाता जस्ट फ़ितरत के कवानी है जिन पर यह मुश्तमल है बी ऑप्शन इसका राइट है उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर आपल्मा नेमाय का द डिफरेंस बिटवीन दी वॉर्शिप एंड डिसपलीव इज़ दी अब ऑफ यानी कि जो बंदे और कुफर के दरमियान जो हद फासल का तुरक करना है हद फासल क्या है यानी कि जो डिफरेंस करने वाली जो चीज़ है वो क्या है नमाज है नमाज मुशरक और बंदे के दरमियान फ़र्क करती है ए ऑप्शन जो हमारे पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन फाइव है हमारे पास कि हु इज़ एक्चुअली मीन बाय वर्ड्स नूर मुबीन यानी जो हमने पहले भी देखा कि मुबीन जो यहाँ पे है इसका मीनिंग क्या बनता है तो इसका मीनिंग है यहाँ पे कुरान मजीद यानी कुरान मजीद को जहाँ पे मुखातब किया गया ठीक है ए ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है उसके बाद क्वेश्चन सिक्स है हमारे पास रूट वर्ड ऑफ इस्लाम जो इस्लाम का मादा है वो क्या है वो है सीन लाम एंड मीम ठीक है ये आपको सेम हैंडआउट्स में भी मिल जाएगा वहाँ पे इसके आ, सीन लामीम की ज़रब ऊपर जर, अगर ज़बर हो तो उसके भी मीनिंग बताए अगर जेर हो तो उसके भी मीनिंग अलग अलग बताए गए ठीक है आपने इसको भी याद रखना है फॉर मिड टर्म ठीक है <coughs> उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि अल्लाह अलमेटी आ, इन द फॉलोइंग वर्स हु इज़ प्रोटेक्टर फॉर होली कुरान यानी यहाँ पे आप इस अगर आयात को पढ़ो यहाँ पे आप अल्लाह ताला ने अर्षात फरमाया था कि ये जिक्र हमने ख़ुद नाजिल किया और हम ख़ुद इसके निगह बान हैं तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे खुद को मुखातब किया था कि मैं खुद इसका निगहबान हूँ तो कुरान जीत का जो निगह बान है इस आयत के मुताबिक वो कौन है अल्लाह ताला ठीक है थीके? तो एप्शन जो है यहाँ पर हमारे पास इसका राइट right ऑप्शन उसके बाद क्वेश्चन एट है और यहाँ पे हॉली प्रॉफर्ट सल्ला वल् सेट अबाउट विच पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज राइट दैन द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज आल्सो राइट एंड इट इज नॉट राइट दैन द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज आल्सो नॉट राइट यानी आप आपलम ने जिसम के किस हिस्से के बारे में फरमाया कि अगर वो सही है तो बाकी जिसम भी ठीक है और अगर वो सही नहीं तो बाकी जिसम भी ठीक नहीं है तो यहाँ पर दिल की बात हुई थी हार्ट ठीक है अगर दिल ठीक है तो सब कुछ ठीक है नहीं तो सब कुछ ठीक नहीं है क्वेश्चन नाइन की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि विच र खलीफा अनाउंसड जहाद अगेंस्ट मुनकरीन जक़ात ज़क़ात के जिन्होंने देने से इनकार किया उनके खिलाफ किस प्रॉफिट सॉरी प्रॉफिट रहा हूँ ख़लीफ़ा ने जो है वो जहाद का ऐलान किया था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताराना जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया था ठीक है उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन टेन है कि हु इज़ द गार्डियन एंजल ऑफ हेल यानी कि जो जहन्नम है उसका निगरान फरिश्ता कौन है जन्नत का जो है ना वो रिजवान है लेकिन जो जहन्नम है उसका मालिक है ठीक है मालिक उसका नेम है जो कातबीन है और मुनकर की जिनका आपको पता है कातबीन हमारे जो आ, ये कांधों पर बैठे हैं और मुनकरने की जो कबर में सवाल पूछने आते हैं ठीक है उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको देख लेते हैं ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि वन डिड जक़ात बिकम बिकम ऑब्लीगेटरी ऑन मुस्लिम यानी मुसलमानों पर जक़ात कब फर्ज हुई थी तो मुसलमानों पर जो जक़ात है वो दो हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे दो हिजरी है इसका राइट right ऑप्शन है ठीक हो गया उसके बाद क्वेश्चन टू है हमारे पास यहाँ पे इस क्विज में कि इस्लाम इज़ आर रिलीजन इस्लाम एक मजहब है इस्लाम कौन सा मज़हब है यूनिवर्सल आलमगीर रसीयत रखने वाला एक मजहब है ठीक है डी ऑप्शन जो यहाँ पे इसका राइट right ऑप्शन है इस्लाम एक रिलीजियस आप कह सकते हो तो यूनिवर्सल आलमगीर जो है ना वो रिलीजन है ठीक है उसके बाद है हमारे पास फॉलोइंग वर्स कुरान हैज नो ये जो किताब है इसका मतलब क्या है कुरान मजीद में क्या नहीं है शक नहीं है डाउट ठीक है ठीक है लारैब यानी इसमें कोई झूठ कोई शक नहीं है डी ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन है ठीक है क्वेश्चन फोर की बात करें तो यहाँ पे मोबीन वाला अगेन आया है जिसमें कुरान जीद को मुखातब किया गया ऑप्शन इसका राइट है ये रिपीट हो रहा है आपके सामने ठीक है उसके बाद क्वेश्चन फाइव है कि हज की फर्जियत जो है ना वो किस सूरत में बयान हुई थी ठीक है कमांड ऑफ ऑब्लिगेशन अबाउट हज हैज़ बीन रिलेटेड इन विच ऑफ सूरा किस सूरत में जो है ना वो हज की फ़र्जियत दर्ज झेल है तो ये सूरतमरान है वहीं पर हज की जो है ना वो फ़र्ज़ है यानी कि आपने हज अदा करनी है यह सूरतमरान की बात हो रही है वहीं पर सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं ठीक है उसके बाद क्वेश्चन मार्क है कि ऑन विच ऑफ़ दालोइंगसन इज़ द्रेयर ऑब्लीगेटरी यानी कि किस बंदे पर जो नमाज वो फ़र्ज़ है पहला ऑप्शन है दौलतमंदन आलमसलम और थर्ड एंड ईडी पावरफुल तो सही ऑप्शन जो है ना वो मुस्लिम तमाम मुसलमानों पर हर हालत में नमाज जो है ना वो फ़र्ज़ है ठीक है दूसरी बारा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राय आता है लेकिन नमाज में नहीं है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन सहम है कि ने यहाँ पे क्या फरमाया कि मुस्लिम और जो काफिर है उनमें क्या फ़र्क है क्या फ़र्क करती है नमाज जो है ना उनमें फ़र्क करती है ठीक है नमाज जो है ना वो उनमें फ़र्क करती है ए ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है ठीक है कुछ रिपीटड है तो मैं आपको जस्ट उनका अगेन बता रहा हूँ ठीक है उसके बाद है हज के किस मुकाम जो है किस दौरान जो है ना वो सही की जाती है ठीक है सही जो होती है वो सफा मरवा के दरमियान में की जाती है ठीक है दो पहाड़ियाँ जो है ना उनके दरमियान जो आ, सफा मरवा होता है उसको हम जो है ना वो सही बोलते हैं जो यहाँ पे सी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है ठीक है उसके बाद जनाब है नमाज इज़ अ वर्ड ऑफ लैंग्वेज नमाज किस जबान का लफ्ज़ है ठीक है नमाज जो है ना वो पर्सियन यानी कि फारसी ज़बान का लफ्ज़ है उर्दू ज़बान का नहीं है अगर नमाज हो तो वो उर्दू में होती है लेकिन यहाँ पर नमाज सलाद की बात हो रही है पूरा जो नमाज होता है वो एक परसिन या आप कह सकते हो या फारसी कह सकते हो उस जबान का लफज है ठीक है उसके बाद हमारे पास उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर यह क्वेश्चन रिपीट हुआ कि अल्लाह ताली के ने किस का असवा हँसना हमारे लिए जो है न वो बेहतरीन नमूना करार दिया था वो हजरत महमदील वसम का असवा हसना है जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन असवा हस्ना नमूना करार दे दिया थी गया ठीक है उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है ज़बूर वाज रवीड यानी कि ज़बूर थी वो किस प्रॉफिट पर रवील हुई थी तो वह हजरत दाऊद्लाम पर जो है नवील हुई थी यानी कि नाजिल हुई थी डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है ठीक है उसके बाद है कि फीचर ऑफ द द कुरान मजीद इज़ इन वर्स यानी इस वर्स में कुरान जीद की किस सिफत का जिक्र किया गया था तो, तो अथेंटिसिटी यानी कि कुरान जीद में कोई शक नहीं है कोई झूठ नहीं है तो यहाँ पर कुरान जीद की जो मुस्तंद है यानी कि अथेंटिसिटी है वो यहाँ पर बयान की गई तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा ठीक है उसके बाद क्वेश्चन थ्री में देखो आप तो वही अगेन पूछा कि हाज की फर्जियत किस सूरत में न, जो जो ना वो बयान हुई है तो इमरान में बयान हुई है ठीक है ये इसका राइट ऑप्शन है सी वाला राइट ऑप्शन है बिल्कुल उसके बाद क्वेश्चन फोर है कि हाउ मैनी कुरान यानी कुरान मजीद को कितने ख़ास नेम जो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान के लिए इस्तेमाल फ़रमाए हैं तो पांच हैं जो हमारे हैंड नोट्स में दिए हुए हैं वैसे जो ओवरऑल पुकारे जाते हैं वो फिफ्टी फाइव है लेकिन जो अल्लाह ताला ख़ुद कुरान के लिए इस्तेमाल फरमाते हैं वो पाँच हैं ठीक है थीके? उसके बाद है कि मलक जो है ना उसका मतलब क्या है मतलब उसका है कासद यानी कि मसिंजर डी ऑप्शन जो है ना ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिपीटेड है अभी इनमें से ठीक है उसके बाद है हमारे पास कि मज़हब इस्लाम इज़ अ रिलीजन इस्लाम मज़हब है कौन सा यूनिवर्सल यानी कि आलमगीर सीत रखने वाला एक मज़हब है डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है यह भी रिपीट हुआ है ठीक है उसके बाद हमारे पास है अल जिक्र यहाँ पर जो याद है हमारे पास इसमें हमने बताना है कि जो जिक्र है वो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है उससे क्या चीज़ मुराद है तो यहाँ पे जिक्र का मुराद है कुरान चीद यानी कि अल्लाह ताला ने ज़िक्र उतारा जिक्र का मतलब है कुरान चीत ठीक है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कि एट विच प्लेस टेज कार द रुकन आजम यानी कि हज का रुकन आजम कहलाता है कौन सी जगह का क्याम करना तो अरफात के जो जगह है वहाँ पे काम करना जो हज का रुकन आज़म है ठीक है उसके बाद आयादा कीदा के लगवी मानी उन्होंने पूछे हैं कीदा के लगवी मानी उन्होंने यानी गिरा लगाना ठीक है जिसको हम मजबूत गिरा बोलते हैं आर टाइट नॉट बी ऑप्शन जो है ना इसका राइट right ऑप्शन है अकीदा का लगभग मान ही होता है टाइनऑट मजबूत गिरा उसके बाद है विच इज़ द फिफ्थ बेसिक बिलीफ ऑफ इस्लाम इस्लाम का जो पांचवा कैदा वो क्या है बिलीफ इन आफ्टर यानी कि अकीदा आखरत अकीदा आखरत इस्लाम के जो बेसिक फाइव बिलीफ हैं या क़ायदे हैं उनमें से आखिरी जीदा है वह अकीदा आखरत कादा है ठीक है <coughs> आई होप आपको यहाँ पे जो है ना वो डाउट क्लियर हो गए होंगे यार आप लोग अगर पेड़ पे काम करवाना चाहते हो ना तो आप मुझे बताया करो मैं आपको कर दिया करूँगा और काइंडली जो है ना वो लास्ट डेट से पहले बताया करो एंड टाइम में एक आवर आधा आवर रहता होता था तो स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि हमें है जो है ना वो पेड़ पर पे आप कर दो तब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और लाइक नहीं किया वीडियो को तो वो भी कर दीजिएगा क्योंकि इस तरह के इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वीडियोस आपको मिलेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाफ़